Dear students, good morning to all. I hope you all are very well at your home. Students, myself, Renu Sharma, faculty of Sura School Rewadi. Today, Sura School Rewadi presenting about many, some, any, a few, a lot, chapter 8 of your English grammar. So, let's start. स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैनी सम एनी अ फ्यू और अ लॉट ओके द वर्ड मैनी सम अ फ्यू अ लॉट अ लॉट ऑफ एंड एनी टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ थिंग्स ये हमें किसी चीज़ की संख्या के बारे में बताते हैं मच का यूज़ हम क्वांटिटी के लिए करते हैं और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का यूज होता है ऐसे ही मैनी का यूज होता है हमें किस किसी ऑब्जेक्ट की कि, कि, किसी वस्तु की संख्या बताने के लिए और इसका यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले जैसे आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड इन द टाउन ये हो गया नेगेटिव हैव यू मैनी प्रॉब्लम ये हो गया इंटेरोगेटिव मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता वी यूज एनी एंड सम विद अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन एनी और सम का यूज हम कब करते हैं अनकाउंटेबल नाउन हो जब हमारे पास और वो भी प्लूरल में हो फॉर एग्जाम्पल मे आई बोरो सम बोरोगर यहाँ आप देख रहे हो हमने किस क्या यूज़ हुआ है सम मे आई बोरो सम सुगर सुगर को हम काउंट नहीं कर सकते इट इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन सो वी यूज़ हेयर सम वी यूज़ एनी इन नेगेटिव स्टेटमेंट एंड इन क्वेश्चन एनी का यूज़ हम नेगेटिव क्वेश्चन में करते हैं जैसे we have not got any pens are they are there any suggestion तो इन दोनों ये एक कौन सा सेंटेंस है फर्स्ट सेंटेंस वी हैव नॉट गॉट एनी पेंस नेगेटिव है और सेकंड इंटेरोगेटिव है दोनों में एनी का यूज हुआ है सम एंड एनी कैन बी यूज विद काउंटेबल एज वेल एज़ सम और एनी दोनों वर्ड्स काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी वी यूज़ एनी और सम वैन वी कैन नॉट और डू नॉट विश टू स्पेसिफाई द एक्स अमाउंट ऑफ समथिंग जब किसी चीज़ की हमें एक्जिकट अमाउंट नहीं पता हो चल पता होता है तो हम उसमें सम और एनी का यूज़ करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल सम इज़ मोस्टली यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन सम का यूज़ मोस्टली कहाँ होता है जहाँ हमें पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस में और फिर या फिर क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल आई वांट समर कैन यू बोरो मी समर दोनों में सम का यूज हुआ है फर्स्ट सेंटेंस क्या है पॉजिटिव आई वांट समर इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस एंड कैन आई बोरोगर इट इज़ अ क्वेश्चन एनी इज यूज इन नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में या फिर क्वेश्चन में होता है हैव यू गोट एनी सुगर देर इज नॉट एनी सुगर इन द बाउल द फर्स्ट सेंटेंस हैव यू गोट एनी सुगर इट इज़ अ क्वेश्चन देर इज नॉट एनी सुगर इन द बाउल इट इज़ अ नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मीन्स इसमें नॉट का यूज हुआ है सो सम और एनी दोनों का यूज किस में होता है काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी डिफरेंस ये है सम का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं या फिर क्वेश्चन में करते हैं जबकि एनी का यूज़ हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन में नेक्स्ट है मैनी अ लॉट ऑफ मच अ फ्यू अ लिटल वी यूज मैनी विद काउंटेबल नाउन इन प्लूरल फॉर्म मैनी का यूज़ जैसे कि हम सब जानते हैं मैनी का यूज़ कहाँ होता है काउंटेबल नाउन के साथ फॉर एग्जांपल सी हैज मैनी डॉल्स इन द बॉक्स सी हैज मैनी बुक्स इन द बैग सी हैज मैनी ड्रेसेस इसमें मैनी का यूज हुआ है वी यूज मच विद अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ हम मच का यूज करते हैं मच इज कॉमनली यूज इन नेगेटिव सेंटेंस एंड इन क्वेश्चन मच का यूज कॉमनली किस में होता है नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन में अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म अनकाउंटेबल नाउन जब भी होगा आपको मिलेगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा वी डोंट ड्रिंक मच मिल्क दिस इवनिंग एग्जाम्पल वी यूज अ लॉट ऑफ एंड लॉट ऑफ विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन जो वर्ड अलॉट ऑफ और सेकेंड है लॉट ऑफ दोनों का यूज़ कहाँ होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ में दे आर यूज टू एक्सप्रेस लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ समथिंग उनका यूज़ तब होता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ चीज़ होती है अनकाउंटेबल और काउंटेबल बहुत ज़्यादा मात्रा में जिनको हम काउंट नहीं कर सकते तो हम उसमें अलाउट अ लॉट ऑफ और लॉट ऑफ का यूज़ करते हैं एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स वर्क डैमेज इन द फायर पर इट लाइक्स लॉट ऑफ बटर ऑन हिज टॉस्ट वी वी यूज अ लिटल विद अनकाउंटेबल नाउन अ लिटल अ लिटल का यूज़ कहाँ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो हम काउंट नहीं कर सकते देर इज अ लिटल टी इन द कैटल वी यूज अ फ्यू विद प्लूरल नाउन अ फ्यू का यूज कहा होता है प्लूरल नाउन के साथ सो द वर्ड मैनी सम एनी अ फ्यू अ अलोट आई होप दिस वर्ड were used according the chart given below can be used with the plural there is a chart in your book you can see some some is used with countable noun uncountable noun any any is used with countable noun as well as uncountable noun few is used with countable noun as well as but not in Uncountable little is used in only uncountable, much is used uncountable, many is used countable but not in uncountable, a lot of use both. So, I hope you understand the lesson. Thank you, have a nice day.